Well, hi guys, welcome back to my channel Home Remedies Beauty. I am Sana. आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत बहुत कमाल का रेमेडी जो ये आपके स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है. आई थिंक ये मैं रेमेडी आपके फेस के स्किन के लिए नहीं बल्कि हैंड एंड नेक फीट एरिया या आपके जहाँ पे आपके ब्लैक या डार्क एरिया है वहाँ पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं. ये बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है, प्लस ये आपके स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है एंड ये आपके किचन में इजीली अवेलेबल रहता है. कोई भी आपको बाहर से लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इजीली किचन में. अगर आप मेरी रेमेडी देखते होंगे तो वो सब चीज़ आपके किचन में या आपके घर में इजीली अवेलेबल होगा. तो ये आप देखते हैं कैसे इसे यूज़ करते हैं, कैसे इसे बनाना है, बहुत इजी है, कैसे इसे लगाना भी बहुत इजी है एंड आपके स्किन में बहुत बेनिफिशियल है. तो चलिए फिर देखते हैं क्या है वो रेमेडी. इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें 2 लेमन चाहिए जो मैंने 4 पीस में काट लिया है. तो इसे सबसे पहले हम लेमन ऐड करेंगे अपने बाउल में. लेमन हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है क्योंकि इसमें नेचुरली ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी स्किन को बहुत ही लाइट कर देती है, स्किन को नेचुरली ब्राइट करता है ये. तो ये जितने भी आपके डार्क एरिया है वहाँ पे आपको ये लाइट कर देगा आपको. तो ये आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा था. तो चारों को हम इस तरीके से इसे निकाल लेंगे. इसका लेमन इस तरीके से मैंने चारों लेमन काट लिए हैं. अब इसमें हम ये पैराशूट एंड सेकेंड हम लेंगे पैराशूट ऑयल. ये हमारी स्किन को लाइटनिंग करने में बहुत हेल्प करता है. ये हमारी स्किन के डार्क एरिया को बहुत लाइट करता है, ये बहुत हेल्प करता है. तो ये हमें स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है. तो 3 स्पून हम कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे. तो इस तरीके से इसमें इसमें ऐड मिला लेंगे अच्छे से. अब इसमें हम थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड करेंगे 1/2 स्पून. एंड 2 स्पून हम रोज वाटर. मैंने इसमें 3 स्पून रोज वाटर ऐड किया है एंड इसमें नॉर्मल वाटर इसमें प्लेन वाटर ऐड कर लेना है 1/2 कप. ये हमारा स्किन वाइटनिंग रेडी है. तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से है, हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है. तो ये लगाना बहुत इजी है. तो चलिए फिर देखते हैं कैसे लगाएं. तो ये रेमेडी रेडी है. आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा ही लिक्विड है, इस तरीके से लिक्विड है. तो ये आप स्प्रे बॉटल में भी रख सकते हैं बट अभी फिलहाल मेरे पास स्प्रे बॉटल अवेलेबल नहीं है. तो मैं इसे ऐसे ही लगाऊंगी, बस जब मैं लेकर आऊंगी मार्केट से तो फिर ये मैं इसमें डाल दूंगी स्प्रे बॉटल. आप ये स्प्रे बॉटल में रख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं. तो इससे आपको जहाँ जहाँ पर डार्क एरिया है, हैंड फीट या जहाँ जहाँ पे आपको सब जगह लगाना है, आपको अगर पूरे एरिया में लगाना है तो आप सब जगह लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से. एंड कमाल का ये रिजल्ट आता है, ब्रीव में गाइस बहुत कमाल का ये रिजल्ट आता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. क्योंकि ये इसमें लेमन ऐड है, लेमन में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, नेचुरली ब्लीच करता है आपकी स्किन को, ब्लीच करता है, लाइटन ब्राइटन करता है. एंड पैराशूट ऑयल है तो ये भी आपकी स्किन को बहुत ब्लीच करता है एंड ब्लीच नहीं करता है, ये स्किन को आपको लाइटन कर देता है. एंड इसमें ग्लिसरीन ऐड है, ग्लिसरीन आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा बहुत ही, मतलब रूखापन नहीं आएगा आपके स्किन पे, आपके हैंड फीट एरिया पे. तो बहुत कमाल का रिजल्ट आता है. तो आपको जहाँ जहाँ पे है इस तरीके से आपको यहाँ पे रब करना है. अब बॉडी की कोई भी एरिया में लगाना जरूरी नहीं है, या फिर एरिया में लगा सकते हैं, बॉडी की एरिया में लगा सकते हैं, या स्किन को जहाँ जहाँ पे लाइट करना है स्किन को ये लगा सकते हैं. ये लगा के आपको इसको 3 से 15 मिनट तक छोड़ देना है. उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से हैंड वॉश कर लीजिए या फिर आप नहा लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा ऑयली है तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो ये ऑयल आगे बचने सकती है. तो आप मैंने इस तरीके से कर लिया है. अब मैं आपको 15 मिनट के बाद हैंड वॉश करके दिखाती हूँ. फिर मैंने नॉर्मल वाटर से हैंड वॉश कर लिया है एंड सी आप रिजल्ट देख सकते हैं कितना शाइन कर रहा है मेरा हाथ. लग रहा है कि मेरी स्किन प्लास्टिक की है. आप देख सकते हैं, आप रिजल्ट खुद देख सकते हैं. मैंने दोनों हैंड में लगाया था एंड आप देख सकते हैं मेरे हाथ कितने
सॉफ्ट लग रहे हैं एंड बहुत ज्यादा शाइनी कर रहे हैं एंड ये स्किन भी लाइट बहुत जल्दी होता है। ये एक दिन में आपको स्किन लाइट नहीं करेगा बल्कि मेरा पहले से थोड़ा सा स्किन लाइट लग रहा है। के लिए ब्राइट स्किन लाने के लिए ये 3 से 4 वीक लगाती ही है, 3 से 4 वीक आपको ये लगाएगा नेचुरली स्किन लाने के लिए, ब्राइटन स्किन लाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा सा रिजल्ट आया है मेरे स्किन पे एंड ये आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, हाथ हो, गर्दन हो, पैर हो, जहाँ जहाँ पे आपको स्किन वाइट करना है, लाइट करना है कर सकते हैं एंड इवन आप ये फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके डार्क स्पॉट को इजीली ख़त्म कर देता है एंड ये बहुत नेचुरली है। ये आप देख सकते हैं कितना ईजी था, ये लगाना भी बहुत ईजी था, ये मेरे स्किन को बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट एंड शाइनी मुझे लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे स्किन आपकी नेचुरली स्किन को, आपके स्किन को नेचुरली ब्राइट कर देता है एंड ये सबसे बड़ी बात है कि आपके स्किन को बहुत ही शाइन कर देता है। लगाना है रात में सोने से पहले आपको लगा लेना है, लगाने के बाद आपको आधे घंटे बाद आप पानी से वॉश कर सकते हैं या फिर 15 मिनट बाद आप वॉश कर सकते हैं, नहीं तो आप ओवरनाइट इसे रख सकते हैं। बट अभी गर्मियों का सीजन है तो बहुत ज़्यादा गर्मी में चिपचिपा लगेगा, आप रख नहीं सकते हैं, तो आप इसे आधे घंटे तक छोड़ दीजिए लगा के, उसके बाद आप हैंड वॉश कर लीजिए। ये सोने से आधे घंटे पहले लगा लीजिए, उसके बाद हैंड वॉश करके आप सो जाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन सोने लगा के सोने में ये रिजल्ट इसका ज़्यादा अच्छा आता है, जल्दी ही आपके स्किन पे ये अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। लेकिन बट गर्मियों का मौसम है, आप जैसा देख सकते हैं। आई होप आपको ये रेमेडी, ये रेसिपी, ये वीडियो ये अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक फटाफट लाइक कर दीजिए एंड दूसरों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी डार्क स्किन है तो वो अपने स्किन को लाइट एंड ब्राइटन कर सके। तो फिर मैं चलती हूँ ऐसे ही अच्छी अच्छी रेमेडी लेकर आती रहूँगी, तब तक बाय बाय, टेक केयर।